Everyone, today I'll discuss about inelastic collision in one dimension. So in this collision there are only linear momentum is conserved, not kinetic energy, because there are some losses in energy in the form of sound, heat, friction, etc. Okay, so यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, उसको किस तरीके से समझा सकता जा सकता है कि कैसे हम लोग को एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है वो देखो। मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, तो ये दोनों यहाँ से मूव कर रहा है यू वन और यू टू वेलोसिटी से। तो यहाँ पे कॉलिजन के टाइम पे क्या होगा कि जब कॉलिजन होगा तो इन इलास्टिक बॉडी में क्या होता है कि वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो सकता है तुम्हारा, या फिर टकराने से हीट प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर फ्रिक्शन के कारण हमारा एनर्जी क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। मतलब दूसरे फॉर्म में हमारा एनर्जी क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है। तो कुछ एनर्जी में लॉसेस आ रहे हैं, तो हमारा जो फाइनल इसके टकराने के बाद जो हमको फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा उसका सम हमको इनिशियल के सम के बराबर नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इन इलास्टिक कोलिजन में हमारा एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। सो देयर आर इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। सो हियर ओनली कंजर्व्ड व्हाट, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज ओनली कंजर्व्ड। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, किसका, लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लिखेंगे। तो लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बस इसमें ऐसे कंडीशन में तुमको सिर्फ उसी का फॉर्मूला लिख करके आपको वहाँ से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखो। एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। तो यहाँ से तुम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से तुम वी वन सब्जेक्ट वी वन कैलकुलेट कर सकते हो, वी टू कैलकुलेट कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्वेश्चन में किस तरीके से डिमांड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो इस फॉर्मूला से। तो ये चीज़ है, इस इक्वेशन से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी वन कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो फिर यदि वी टू कैलकुलेट करने का ऑप्शन है तो वी टू भी कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यू वन कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि यू टू दिया हुआ, यू वन सॉरी यू वन तो दिया होना चाहिए तभी कोलिजन हो पाएगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे यू वन इज़ ग्रेटर देन यू टू। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, तो यदि आपको यू टू कैलकुलेट करना हो तो यू टू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यू वन भी इवन कर सकते हैं, यदि फाइनल वेलोसिटी पता हो तो यू वन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का, परफेक्टली जो कि 100% इन इलास्टिक हो। इसमें तो थोड़ा बहुत मिक्सअप मिल जाएगा आपको, जिसके कारण हम कुछ इस तरीके का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किए, बट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो उसको इस तरीके से समझा जाता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, समझना यहाँ पे इसको अच्छे से। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हम लोग को सपोज कर लेना कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और दूसरा ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम कुछ इस तरीके से थ्रो कर रहे हैं, इसको इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं इसके ऊपर। जब इसको हम यहाँ से इस पर थ्रो करेंगे तो इसका वेलोसिटी क्या है, यू वन, और ये जब स्टार्टिंग में रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, यू टू, जो है किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो थ्रो किए तो थ्रो करने से इस पर क्या होगा, कॉलिजन होगा। तो ये कॉलिजन का टाइम पीरियड है, ये कॉलिजन के समय का इवेंट है। कॉलिजन के बाद इसमें क्या कंडीशन होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में कंडीशन क्या होता है कि ये यदि जैसे ही टकराएगा उससे तो या तो उस बॉडी के अंदर धस जाएगा, अंदर मतलब बॉडी के साथ मिक्स हो जाएगा, या फिर चिपक जाएगा जा करके, और चिपकने के बाद कुछ इस तरीके से साथ में मूव करेगा। मतलब कंडीशन ये है, ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास एक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, किसी भी तरीके से आपका जो कोलिजन के बाद ये दोनों एक साथ मूव करना चाहिए, एक साथ मतलब सेम वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ओके। तो ऐसे कंडीशन में भी तुमको वही फंडा मिलने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड बट नॉट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व फिर भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ये तो और भी इसमें लॉस हमारा एनर्जी होगा, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इसको यदि आप मैथमेटिकली समझना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से समझो, क्योंकि देख सकते हो कि इसका मास m1, इसका मास m2, इसका u1 वेलोसिटी, इसका जीरो वेलोसिटी है ना, तो फाइनल वेलोसिटी जो है उसको हम लोग दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा किसके बराबर, v के बराबर। मतलब ये फाइनल वेलोसिटी v वेलोसिटी किसे मूव कर रहा है सपोज। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा उसका फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखोगे वो क्या लिखोगे, देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। बट यहाँ पे क्या है कि यू टू हमारा क्या है, यू टू जीरो है, और साथ ही साथ वी वन इज इक्वल्स टू वी टू जो किसके बराबर है, वी के बराबर है। तो ऐसे यदि ये सब कंडीशन है तो यहाँ पे हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा। तो जब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे वैल्यूज को, तो हमारा क्या आएगा, एम वन
यहाँ पे यू वन प्लस ये वैल्यू तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि यू टू जीरो है, तो हमको ये टर्म पूरा क्या मिलेगा, जीरो इज इक्वल्स टू, इसमें भी हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एम वन प्लस एम टू और कॉमन में आ जाएगा आपका वी। तो यहाँ से वी कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। तो वी के बराबर कितना आएगा, यहाँ से वी का फॉर्मूला आ जाएगा आपका वी इज इक्वल्स टू एम वन यू वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू दिस वन, ये आएगा फॉर्मूला आपका। तो ये फॉर्मूला हमको फाइनल वेलोसिटी का मिल गया। तो यहाँ से हम लोग फाइनल वेलोसिटी को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि मान लो ठीक है, कुछ हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखे थे ना, हम यदि बोलें कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक मिनट के लिए मैं बात करूँ यहाँ पे कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यू वन भी मूव कर रहा है और यू टू भी मूव कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट जब ये कोलाइड किया आफ्टर सम टाइम इट विल कोलाइड, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन डाल दूँ कि यू वन इज ग्रेटर देन यू टू, तो आफ्टर सम टाइम इट विल कोलाइड, और कोलाइड होने से कुछ इस तरीके से यह कंडीशन बनेगा, कोलिजन के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट है वो दूसरे में धस जाए या चिपक जाए, जैसे भी कंडीशन में आपको वेलोसिटी क्या मिलना चाहिए, दोनों के लिए कॉमन मिलना चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके से ही वेलोसिटी आपको मिलना चाहिए, तभी हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको सिर्फ फार्मूला में क्या चेंजेज आएगा, सिर्फ चेंजेज आएगा क्या चीज़, सिर्फ भी मतलब ये सेम होगा ना, बाकी तो इधर लेफ्ट साइड वाला तो एज इट इज रह जाएगा। तो वैसे कंडीशन में यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू डिवाइडेड बाई नीचे जो है सो एज इट इज रहेगा एम वन प्लस एम टू, मतलब क्या है, सिर्फ ये वाला कंडीशन, ये वाला मेरा इंक्रीज हो गया ना सिर्फ ये वाला, क्योंकि ये टर्म को हम जीरो किए थे और ये वाला टर्म इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। यदि दोनों मोशन में है तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, और यदि कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और एक दूसरा मोशन में है तो कुछ इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब दोनों फार्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा। अब कंडीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग तुमको थ्योरी लिखना है ना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे तुम स्पेशल केस भी डाल सकते हो कि एम वन इज इक्वल टू एम टू, बहुत सारा फंडा आप अप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब कंडीशन आता है कि अब यहाँ पे मैं बात करूँ यदि लॉस ऑफ एनर्जी का, तो एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे बात किए ना कि इसमें क्या होता है कि एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो आखिर कितना लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में, एनर्जी लॉस हो रहा है बट कितना, उसको मैथमेटिकली हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, कितना एनर्जी उसमें लॉस हो रहा है, तो देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो यही वाला एग्जांपल, जो एग्जांपल रेस्ट वाला है उसी एग्जांपल को लेकर के हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो देखो हेडिंग डालेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कुछ इस तरीके से ये रहा हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसको समझना है मैथमेटिकली, तो यहाँ पे कंडीशन सेम है कि हमारा पहला ऑब्जेक्ट जो है उसका वेलोसिटी यू वन है और दूसरा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यू टू है, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये रेस्ट में है, यू टू जो है वो रेस्ट में है। यदि यू टू रेस्ट में है तो हमारा इसका वेलोसिटी क्या मिलने वाला है, जीरो मिलेगा। तो जब इसको थ्रो किया, इस पर कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद साथ में कुछ इस तरीके से मूव करने लगा, तो उसका वेलोसिटी क्या हमारा हो गया, वी वेलोसिटी। ठीक है, और उस वी वेलोसिटी के बाद जब इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो वी का वैल्यू क्या मिलेगा, कुछ इतना मिलेगा वी इज इक्वल टू एम वन यू वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, जो अभी कैलकुलेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये वाला ये देखो ये वैल्यू को हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस वैल्यू यहाँ पे यही वैल्यू आने वाला है बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बट यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि इसका जो लीनियर मोमेंटम है, मतलब सॉरी लीनियर काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्टिंग का है, इसका एनर्जी हम स्टार्टिंग का बिफोर कोलिजन हम ई वन मान लें और आफ्टर कोलिजन हम इसका एनर्जी ई टू मान लें, मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ से ई वन और ई टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिफोर कोलिजन आपको एनर्जी कितना मिल रहा है, ई वन, सम ऑफ एनर्जी ई वन, एंड आफ्टर कोलिजन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द ई टू। सो यू कैन सी हियर, आई एम राइटिंग हियर ई वन इज इक्वल टू बिफोर कॉलिजन, ई टू मतलब आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि ई वन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखो ये तो मास एम वन है और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना, यू वन स्क्वायर, और ये वाला रहता तब ना उसके साथ हम ऐड करते तो प्लस जीरो होगा, क्योंकि इसका तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये तो रेस्ट में स्टार्टिंग में, तो ये हमको जीरो मिलेगा, मतलब ई वन का वैल्यू आपको सिर्फ इतना मिला। अब ई टू की बात करते हैं, तो E2 में क्या होगा कि E2 का तुम जब लिखोगे तो यहाँ पे देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, E2 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 1 बाई टू एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू स्क्वायर, ऐसा लिखना है। तो यहाँ पे वी कॉमन है दोनों के लिए, तो यहाँ वी स्क्वायर, इसका भी वी स्क्वायर, वी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन जाएगा और 1 बाई टू कॉमन जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बाई टू एम वन प्लस एम टू वी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, पर ये बिफोर कोलिजन है हमारा। ठीक है, तो ये कुछ है। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना, लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है इसका मतलब 100% हमारा E2 कम होने वाला है,
क्योंकि आफ्टर कोलिजन जब एनर्जी थोड़ा लॉस हो रहा है तो वो तो कम होगा, छोटा होगा वो, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, उसको डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोग, डेल्टा इज द चेंज ऑफ एनर्जी, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई वन माइनस ई टू, ई वन मतलब बिफोर कोलिजन और ई टू इज द आफ्टर कोलिजन, तो माइनस कर देंगे तो कितना एनर्जी में लॉस हुआ हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखो दोनों का वैल्यू को इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दोनों वैल्यू को यदि तुम सब्स्टिट्यूट करते हो इस जगह पे तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है। सो यहाँ पे देख सकते हो 1/2 इसका वैल्यू है हमारा M1U1 स्क्वायर ये वाला, और E2 का है इसका वैल्यू ये वाला 1/2 M1 प्लस M2 और यहाँ पे V स्क्वायर। अब V का वैल्यू देखो यहाँ पे कैलकुलेटेड है, तो इस V का वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यदि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो 1/2 M1U1 स्क्वायर माइनस 1/2 M1 प्लस M2 दिस वन, और V की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो M1U1 डिवाइडेड बाई, ये ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर है, तो नीचे चलो ऊपर भी स्क्वायर लिख देते हैं नीचे भी स्क्वायर लिख देंगे, M1 प्लस M2 टू द पावर ऑफ स्क्वायर, पूरा पर स्क्वायर लिखेंगे तो इस तरह से पार्टीशन कर दिए हम लोग। तो देखो ये M1 प्लस M2 और एक ठो इसका कट जाएगा, तो स्क्वायर को काट देते हैं, एक ठो बच जाएगा हमारा यहाँ पे। इसके बाद आपका क्या बचा उसको यहाँ पे लिख दो, इसके बाद हमारा यहाँ पे बचा 1/2 M1U1 स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ पे ऊपर में क्या बच गया हमारा M1U1 स्क्वायर, मतलब इस पर दोनों पे स्क्वायर जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर पूरे पे है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे क्या बचा M1 प्लस M2 दिस वन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे बचा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है M1U1 स्क्वायर और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट है ना। तो इसको अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं आगे, तो इसमें क्या करेंगे कि इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, 1/2 M1U1 स्क्वायर यहाँ भी है और इसमें भी है, तो दोनों को यदि हम कॉमन ले लेते हैं देखो क्या रिजल्ट मिलता है। तो दोनों को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कॉमन यदि लेते हैं हम लोग तो मिलता है यहाँ पे 1/2 M1U1 स्क्वायर दिस वन, तो यहाँ पे क्या बचा वन, देखो कॉमन ले ली थी यहाँ वन बचा, माइनस 1/2 तो ऑलरेडी कॉमन चला गया है, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा टर्म चला गया, तो नीचे M1 प्लस M2 बचेगा सिर्फ, तो हो जाएगा M1 प्लस M2 इतना चीज आएगा। अब इसको आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा 1/2 M1U1 स्क्वायर और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा एलसीएम ले लो M1 प्लस M2 को, तो एस को एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा हमारा M1 प्लस M2 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बच जाएगा एक मिनट, यहाँ पे देख देख लो थोड़ा सा इस जगह पे हम लोग को छूट रहा है हम लोग को, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है M1U1 स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, तो एक ठो M1 यहाँ पे तो बच जाएगा हमारा इस जगह पे, मतलब यहाँ पे क्या लिखाएगा M1, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -M1 दिस, ठीक। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा M1 और M1 कैंसिल हो जा रहा है इस जगह पे, M1 और M1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर ओनली M2, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग 1/2 ये हो जाएगा M1 और ये वाला M2 और ये वाला U1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट M1 प्लस M2 इतना बचा हमको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या मिला, जो ये वैल्यू मिला वो किसका वैल्यू है, दिस वन वैल्यू इज़ द लॉस ऑफ एनर्जी, ये हमारा लॉस ऑफ एनर्जी है। तो इसको यदि आप कुछ इस तरीके से दिखाना चाहते हो, जैसे ये वैल्यू जो तुमको मिला वो किसका मिला, डेल्टा ई का मिला ना, तो यहाँ पे लिख दो डेल्टा ई इज इक्वल टू दिस, मतलब इसको पूरा ये तुम्हारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, यही लॉस इतना एनर्जी में लॉसेस है हमारा, ठीक है। और ये वैल्यू आपको किस में मिल रहा है, नेगेटिव में तो नहीं मिल रहा है, तो ये वैल्यू हमको मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या है, मतलब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो डेल्टा ई इज इक्वल टू हमारा क्या है E1 माइनस E2, वो किस में मिल रहा है हमको, पॉजिटिव में रिजल्ट मिल रहा है। पॉजिटिव में रिजल्ट मिल रहा है इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव में हमको रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है यहाँ पे कि यदि ये पॉजिटिव है तो 100% यहाँ पे लिख सकते हैं कि E1 जो है वो ग्रेटर देन किस से है, E2 से। यदि ये नेगेटिव में रिजल्ट आता तो इससे इसका मतलब क्या होता हमारा कि E2 जो है सो बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में तो आ नहीं रहा रिजल्ट, ये हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये 100% हमको यहाँ पे क्या बता रहा है कि E1 बड़ा है तभी तो पॉजिटिव में आया रिजल्ट आया, यदि E1 छोटा होता तो हमारा 100% यहाँ पे नेगेटिव में रिजल्ट आता। तो ऐसे कंडीशन में यदि ये बड़ा है तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2, मतलब एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है,
ठीक है, एनर्जी हमारा लॉस हो रहा है, तो कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इतना हो रहा है 1/2 m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 + m2। यदि सबका वैल्यू रहेगा तो तुम इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस किस में हो रहा है हमारा, e2 में। सो हियर काइनेटिक एनर्जी लॉस इन e2, e2 मतलब कि आफ्टर कॉलिजन हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, और बाकी इन इलास्टिक कॉलेज में वेलोसिटी कैलकुलेट करना, तो इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जिस फॉर्मूला का यूज़ होगा उस जगह पे आप फॉर्मूला को अप्लाई करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।